सो दोस्तों, हाल फिलहाल में हमारे इंडियन मार्केट पे बहुत सी बाइक लॉन्च हुई हैं, जिसके बारे में आज के इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे कि आपको अपने लिए कौन सी बेस्ट वैल्यू फॉर मनी प्रीमियम बाइक को लेनी चाहिए 2023 में, उसी के बारे में आज के इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, आगे आप लोग को बाइक से रिलेटेड ऐसे वीडियोज की इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती रहेंगी। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले नंबर की बाइक के बारे में बताऊं तो वो है दोस्तों बजाज और ट्रैम्प की ओर से आने वाली पहली बाइक, जो कि है ट्रैम्प स्पीड 400। अब यहां पे दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप लोग को इस बाइक के प्राइसिंग के बारे में बताऊं तो इसका जो प्राइस है दोस्तों, ये लगभग आप लोग को 2,80,000 रुपए के आसपास में ऑन रोड देखने को मिलेगा। अब यहां पे दोस्तों ये जो बाइक है ये पहले नंबर पे इसलिए है क्योंकि दोस्तों ये जो बजाज की ट्रैम्प स्पीड 400 है, ये दोस्तों अपने प्राइस और सेगमेंट के हिसाब से सबसे प्रीमियम बाइक है। क्योंकि दोस्तों हम सभी को पता है कि ट्रैम्प जो कंपनी है ये बहुत ही बड़ी और बहुत ही प्रीमियम कंपनी है, जो कि दोस्तों अपने बड़े बड़े काफ़ी सारे बाइक्स तो बनाती है, साथ ही साथ ट्रैम्प जो है अपनी काफ़ी सारे सुपर बाइक्स भी बनाती है। तो जैसा दोस्तों आप लोग को फिट एंड फिनिश जो क्वालिटी है वो आप लोग को ट्रैम्प की बड़ी बड़ी बाइक्स पे देखने को मिलता है, ठीक वैसा ही दोस्तों आप लोग को फिट एंड फिनिश और क्वालिटी जो है वो आप लोग को स्पीड 400 पे भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे दोस्तों ट्रैम्प कंपनी ने अपने स्पीड 400 के साथ जो है यहाँ पर जो है क्वालिटी वगैरह में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। तो इस प्राइस रेंज में अगर देखा जाए दोस्तों तो ये जो ट्रैम्प की स्पीड 400 है ये दोस्तों आप लोग को सबसे ज़्यादा प्रीमियम देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे दोस्तों अगर हम लोग बढ़े सेकंड नंबर की ओर तो सेकंड नंबर पे जो बाइक है दोस्तों वो है हीरो की नई बाइक हीरो करिश्मा XMR। अब यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप लोग को इस बाइक के प्राइसिंग के बारे में बताऊँ तो इसका जो प्राइस है ये लगभग दोस्तों आप लोग को 2 लाख रुपए से लेकर 2,10,000 रुपए के बीच में ऑन रोड देखने को मिलेगा। और अगर आप दोस्तों इस प्राइस रेंज में फुल फेयरिंग वाली स्पोर्ट्स बाइक देखेंगे तो आपके पास दोस्तों ज्यादा बाइक्स का ऑप्शन नहीं है, आपके पास यहाँ पर जो है दो ही बाइक्स का ऑप्शन है, जो कि पहला है RS 200 और सेकंड है दोस्तों ये हीरो की करिश्मा XMR। तो यहाँ पे अगर इन दोनों बाइक पे देखा जाए तो ज्यादा जो प्रीमियम बाइक है दोस्तों ये हीरो की करिश्मा XMR है, क्योंकि दोस्तों ये जो बाइक है ये जिस प्राइस रेंज में आती है इस पे दोस्तों आप लोग को बेस्ट पावर और बेस्ट फीचर्स तो देखने को मिलता ही है, साथ ही साथ बाइक की जो सर्विसिंग कॉस्ट है ये दोस्तों काफी लो हो जाती है और बाइक का जो मेंटेनेंस है ये भी दोस्तों काफी लो हो जाता है, क्योंकि दोस्तों ये जो है एक हीरो की प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर 2,10,000 रुपए के आसपास में देखा जाए फुल फेयरिंग वाली स्पोर्ट्स बाइक तो सबसे प्रीमियम जो बाइक है ये दोस्तों हीरो की करिश्मा XMR है। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग बात करते हैं थर्ड नंबर की बाइक की, तो वो आती है दोस्तों TVS कंपनी की ओर से, जो कि TVS की नई बाइक है TVS अपाचे RTR 310। इस बाइक के दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप लोग को प्राइसिंग के बारे में बताऊं तो लगभग दोस्तों 3 लाख रुपए के आसपास में इसका ऑन रोड प्राइस जाता है, लेकिन दोस्तों ये जो बाइक है ये 3 लाख रुपए की बिल्कुल भी नहीं लगती है, क्योंकि दोस्तों इस बाइक का जो लुक है और जो फीचर्स है ये आप लोग को किसी सुपर बाइक से कम नहीं मिलता है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो है ये वर्ल्ड की पहली बाइक है इस प्राइस रेंज में जिसपे दोस्तों आप लोग को क्रूज कंट्रोल सिस्टम देखने को मिलता है, जो कि जनरली दोस्तों बड़े बड़े सुपर बाइक्स पे देखने को मिलता है, साथ ही साथ दोस्तों इस बाइक पे जो है आप लोग को क्लाइमेट कंट्रोल सीट देखने को मिलता है, जो कि देखा जाए दोस्तों तो ये जो फीचर्स है ये आप लोग को जनरली कार्स वगैरह में देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे जो है TVS कंपनी ने अपनी अपाचे RTR 310 पे ऑफर कर रही है। बाकी दोस्तों आप लोग को इस बाइक पे जो है काफी अच्छा खासा पावरफुल इंजन भी देखने को मिल जाता है। तो जी दोस्तों ये जो TVS की नई बाइक है अपाचे RTR 310, ये दोस्तों 3 लाख रुपए के आसपास में काफी बेस्ट ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट बाइक की ओर, तो वो आने वाली है दोस्तों एप्रिला की ओर से, जो कि है RS 457। अब यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो बाइक है इस बाइक को जो है अभी फिलहाल ग्लोबली लॉन्च किया गया है, यानी दोस्तों इस बाइक को हमारे इंडिया के बाहर इंटरनेशनल मार्केट पे जो है लॉन्च कर दिया गया है, लेकिन दोस्तों आने वाले कुछ ही महीनों में इस बाइक को हमारे इंडियन मार्केट पे भी लॉन्च कर दिया जाएगा। प्राइसिंग के बारे में बताऊं तो लगभग दोस्तों 3,50,000 रुपए के आसपास में इसका एक्सपेक्टेड प्राइस बताया जा रहा है, लेकिन दोस्तों यहीं पे मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग को इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा प्रीमियम बाइक चाहिए जिसपे दोस्तों आप लोग को ढेरों सारा पावर देखने को मिले, बाइक पे आप लोग को बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिले, तो फिर दोस्तों आप लोग इस बाइक की ओर जा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इस बाइक पे जो आप लोग को पावर देखने को मिलता है वो लगभग दोस्तों आप लोग को 47 BHP तक की देखने को मिलती है, लेकिन दोस्तों इस बाइक का जो वेट है ये काफ़ी कम है, जो कि लगभग जो है 175 kg तक का है। तो इस बाइक का दोस्तों जो पावर टू वेट रेशियो है ये आप लोग को पूरे सेगमेंट में बेस्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप लोग को एक खतरनाक पावरफुल बाइक चाहिए तो फिर दोस्तों आप लोग इस एप्रिला की RS 457 का वेट कर सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों पांचवें नंबर की बाइक की ओर, तो पांचवें नंबर पे आने वाली है दोस्तों KTM कंपनी की ओर से, जो कि ड्यूक सीरीज का न्यू 2024 मॉडल होने वाला है। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं KTM ड्यूक का जो 2024 मॉडल है इस बाइक को दोस्तों ऑलरेडी लॉन्च कर दिया गया है, लेकिन दोस्तों हमारे इंडिया के बाहर इंटरनेशनल मार्केट पे लॉन्च किया गया है, जो कि दोस्तों आने वाले कुछ ही महीने में जो है इस बाइक को हमारे
इंडियन मार्केट पे भी लॉन्च कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों अच्छी बात यह है कि KTM ड्यूक का जो 2024 मॉडल है इसका दोस्तों बुकिंग जो है ओपन हो चुका है, तो आप अपने नज़दीकी जो KTM शोरूम है वहाँ पे जाके आप लोग बुक कर सकते हैं। बाकी दोस्तों इसके अगर मैं आप लोग को प्राइसिंग के बारे में बताऊँ तो स्टार्टिंग जो प्राइस है ये लगभग दोस्तों 1,80,000 रुपये के आसपास में जाती है, और इसका जो टॉप एंड मॉडल है यानी कि ड्यूक 390 जो है उसका प्राइस लगभग आप लोग को 3,50,000 रुपये के आसपास में देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे दोस्तों अगर देखा जाए तो ड्यूक सीरीज का जो 2024 मॉडल होने वाला है दोस्तों ये भी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस पर जो है काफ़ी सारे चेंजेस किए गए हैं पहले के मुकाबले। लाइक यहाँ पे दोस्तों अब आप लोग को ज़्यादा मस्कुलर लुक देखने को मिल रहा है, ज़्यादा यहाँ पर जो आप लोग को स्पोर्टी फील दे रहा है। साथ ही साथ दोस्तों बाइक पे जो है अब आप लोग को पहले के मुकाबले ज़्यादा फीचर्स तो देखने को मिलेंगे ही, साथ ही साथ पहले के मुकाबले यहाँ पर जो है ज़्यादा आप लोग को पावरफुल इंजन भी दिया गया है। तो ये भी दोस्तों काफ़ी पावरफुल और काफ़ी प्रीमियम बाइक है। बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग 6 नंबर की बाइक की और, तो वो है दोस्तों हीरो और हार्ले की नई बाइक जो कि है हार्ले डेविडसन X440। इसका जो स्टार्टिंग प्राइस है दोस्तों ये लगभग 2,80,000 रुपये के आसपास में देखने को मिलता है, और इसका जो टॉप एंड मॉडल का प्राइस है ये लगभग दोस्तों आप लोग को 3,25,000 रुपये के आसपास में देखने को मिलता है। अब यहाँ पे दोस्तों अगर आप लोग को एक ऐसी बाइक चाहिए जिससे कि दोस्तों आप लोग को एकदम कंफर्टेबल राइड मिले, अगर आपका हाईवे वगैरह पे ज़्यादा राइड होता है तो फिर दोस्तों आप लोग इस बाइक की ओर देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो बाइक है ये एक प्रीमियम क्रूजर बाइक है जिस पर दोस्तों आप लोग को पावरफुल इंजन के साथ जो है काफ़ी अच्छे खासे आप लोग को इस पर जो है फीचर्स भी देखने को मिलते हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं 7 नंबर की बाइक की ओर, तो 7 नंबर पर दोस्तों यामाहा की R15M। इस बाइक के दोस्तों सबसे पहले तो अगर मैं आप लोग को प्राइसिंग के बारे में बताऊँ तो लगभग जो है 2,35,000 रुपए के आसपास में इसका ऑन रोड प्राइस है, और 2,35,000 रुपए के आसपास में दोस्तों इस बाइक का जो लुक है, जो फीचर्स है, जो पावर और परफॉर्मेंस है ये आप लोग को शायद ही किसी बाइक पे देखने को मिलता है। साथ ही साथ दोस्तों ये जो बाइक है इस पे आप लोग को बेस्ट माइलेज भी देखने को मिलता है इस सेगमेंट में, जो कि लगभग दोस्तों आप लोग को 40 से लेकर 45 km/h तक का भी इस बाइक से जो है इजिली माइलेज देखने को मिल जाएगा अगर आप लोग इस बाइक को अच्छी तरीके से राइड करेंगे तो। बाकी दोस्तों आप लोग को इस बाइक पे जो है एक से एक बेहतरीन अमेजिंग फीचर के साथ जो है पावरफुल इंजन तो देखने को मिलता ही है। तो जी हाँ दोस्तों ये रही टॉप 7 प्रीमियम बाइक्स जिसके बारे में दोस्तों मैंने आप लोग को एक एक करके कंप्लीट डिटेल से जानकारी दे दी है। तो अब आप लोग बताइए कि आप लोग इन सातों बाइक में से कौन सी बाइक को लेने वाले हैं 2023 में, नीचे कमेंट बॉक्स पे अपना ओपिनियन जरूर लिखिएगा। तो इस वीडियो को भी दोस्तों हम लोग फिलहाल एंड करते हैं। आई होप आप लोग को ये जो वीडियो है ये आप लोग को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे अगर आप लोग पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड ऑल्सो राइड सेफ।